बढ़ते आगे खबर रायपुर से आपको देते हैं, जहां पर आभार कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होगा यह कार्यक्रम। 11:45 पर मुंगेली जिले के लिए रवाना होंगे सीएम बघेल। 12:20 पर चंदली का अवलोकन और समूह से करेंगे चर्चा। ग्राम कोडिया में मंदिर दर्शन, राजीव गांधी प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। 1:30 पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज जनता से शासन की योजनाओं का जो है फीडबैक लेंगे। 3:40 पर कई प्रतिनिधि मंडलों से भेंट करेंगे और शाम को 5:30 जो है मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे सीएम भूपेश। तो आज जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में आपको 1-to-1 अपडेट दे रही हैं कि मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो अपने आप में व्यस्तता बढ़ गई है। और इस वक्त कर्नाटक के चुनाव की जिम्मेदारी भी संभाले हुए हैं सीएम भूपेश बघेल, उन्हें भी स्टार प्रचारक बनाया है। ऐसे में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम उनके हैं। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं संवाददाता जगजीत सिंह से। जगजीत, क्योंकि सीएम के आज बहुत से कार्यक्रम नजर आ रही हैं, जरा 1-to-1 चर्चा करिए उनमें कि आज सीएम क्या कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं। ममता, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी व्यस्तताएं हैं और लगातार 1-to-1 आज एक कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री आज लोरमी विधानसभा में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के वो फीडबैक भी लेंगे और उससे पहले मुख्यमंत्री 11:00 आभार कार्यक्रम में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री निवास में ये पूरा बड़ा आयोजन होने जा रहा है। और उसके बाद फिर मुंगेली जिले के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल और 12:20 पर चंदली का अवलोकन एवं समूह से वो चर्चा भी करेंगे। और उसके बाद ग्राम खुड़िया का अवलोकन करेंगे, खुड़िया में मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद राजीव गांधी का प्रतिमा का वो माल्यार्पण भी करेंगे। और लगभग 1:30 देखिए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और आम जनता से शासन के कार्यों का फीडबैक लेंगे, लोगों से रूबरू होंगे, वो 1-to-1 चर्चा करेंगे। और 3:40 पे मैं आपको बता दूं विभिन्न प्रतिनिधि मंडल से वो मुलाकात करेंगे। देखिए भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम, जो ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है, लगातार प्रदेश के सभी जिलों में सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों से 1-to-1 चर्चा करते हैं और लोगों की क्या समस्याएं हैं, शासन की जो योजनाएं चल रही हैं वो उनका फीडबैक लेते हैं कि वो योजनाएं उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, अगर पहुंच रही है तो क्या दिक्कतें आ रही है और अगर सफल है तो उसमें क्या उनको अच्छा लगा। तो ये तमाम जो बातें हैं वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वो लोगों से मिलते हैं। जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे दिन फिर वो अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं, अधिकारियों से चर्चा करते हैं, उन जिलों की बातें करते हैं कि क्या कुछ यहाँ और कमी रह गई है जिनको वो आने वाले समय में पूरा कर सके। तो देखा जा सकता है कि लगातार देखिए कर्नाटक चुनाव को लेकर के वो कर्नाटक भी जाते हैं, वहां के वो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उसके बाद वो प्रदेश में आते हैं तो प्रदेश में लगातार दौरे के जो कार्यक्रम चल रहे हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। लगातार देखिए व्यस्तताएं बढ़ते जा रही हैं, चुनाव नजदीक है, 5 से 6 महीना ही समय शेष रह गया है। अगले नवंबर दिसंबर तक ये तय हो जाएगा प्रदेश में कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है। बिल्कुल जगजीत, आप बने रहिए, अगली खबर पर मैं आपसे अपडेट लूंगी।